नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ नेहा वर्मा। क्या तरावड़ी में अपराध बढ़ रहे हैं? क्या तरावड़ी में कोई नया गैंग खड़ा हो रहा है? क्या विश्व की सबसे प्रसिद्ध चावल नगरी तरावड़ी अपराधियों के निशाने पर है? यह सवाल अब हम नहीं तरावड़ी के लोग उठा रहे हैं, क्योंकि तरावड़ी के लोग अब दहशत में है। कुछ दिन पहले समाचार एक्सप्रेस ने तरावड़ी जीटी रोड के निकट स्थित एक दुकान पर हुई तोड़फोड़ तथा कब्जे को लेकर एक खबर दिखाई थी। हमने दिखाया था कि कैसे दबंगों ने एक दुकान पर हथियारों के बल पर कब्जा जमा लिया था। यह कब्जा पुलिस की मेहरबानी से हुआ था, बाद में मामला भी दर्ज हुआ, लेकिन हल्की धाराओं के चलते अपराधी जमानत पर छूट गए। अब आप जो तस्वीरें अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं वह तरावड़ी की है। घटना शुक्रवार रात करीब 8 बजे के आसपास की बताई जा रही है। मामला वीके नाम की गारमेंट्स की दुकान से जुड़ा है, यानी एक महीने में ही शातिर बदमाशों ने दूसरी दुकान पर तोड़फोड़ की कार्यवाही की है। आपकी स्क्रीन पर नजर आ रही ये तस्वीरें घटना के ठीक आधे घंटे के बाद की है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे दुकान के बाहर लोगों का जमावड़ा लगा है और सभी दुकानदार देखिए कैसे दहशत में है, मानो लोग डरे हुए हों। लोग हैरान हैं कि इस तरह की वारदातें आखिर छोटे से कस्बे तरावड़ी में भला कैसे घटित हो सकती हैं। बताया जा रहा है कि दुकान का मालिक मुकेश रात को अपनी दुकान पर अपने पिताजी के साथ मौजूद था। अचानक कुछ लोग बाइक पर आते हैं और कपड़े लेने लगते हैं। वह उधार मांगते हैं। दुकान का मालिक मुकेश उधार देने से जब मना करता है तो करीब आधा दर्जन लोग तेज धार हथियार से अचानक हमला बोल देते हैं। इसी बीच आसपास के दुकानदार बचाने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन हमलावर अपराधी उन दुकानदारों पर भी हमला बोल देते हैं। अचानक अफरा तफरी मच जाती है और फिर भारी तोड़फोड़ होती है। अपराधी लूटपाट की घटना को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। पुलिस को सूचना दी जाती है और पुलिस मौके पर भी पहुंचती है। अपराधी इतने शातिर हैं कि वह दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे और डीवीआर भी उखाड़ कर ले जाते हैं। चलिए पहले आपको ले चलते हैं करनाल के अमृतधारा अस्पताल में, जहां समाचार एक्सप्रेस के चीफ एडिटर कैमरामैन सन्नी चौधरी के साथ घायल दुकानदार से घटना की जानकारी लेने पहुंचे। नमस्कार, मैं हूं हरीश चावला और आप देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस। जैसा कि रात को हमने बताया था आपको, तरावड़ी के मेन बाजार में एक गार्मेंट्स की दुकान पर रात अज्ञात हमलावरों ने दुकान के मालिक मुकेश और उनके पिताजी पर कातिलाना हमला बोला। मेरे शायद कुछ लूटपाट की भी शंका है और आरोपी 5 मिनट में वारदात को अंजाम देकर बाजार से फरार हो गए। घटना रात 8:15 बजे के आसपास की है। अब हम आए हैं करनाल के अमृतधारा अस्पताल में, जहां मुकेश और उनके पिताजी गंभीर हालत में दाखिल हैं। हम जानने का प्रयास करेंगे कि वो घायल अवस्था में कुछ बोल पाते हैं या नहीं। मैं अपने कैमरामैन सनी चौधरी से रिक्वेस्ट करूंगा कि कैमरा उस तरफ मोड़े। समय की वारदात थी 8:30 के बाद। आप दुकान पे थे? हाँ जी। कितने लोग थे मुकेश जी? 4-5 लोग थे। तो आती तोड़फोड़ की? आती तोड़फोड़ करते जी। तो सुना है उन्होंने दुकान पे आके कुछ पहले आपसे कुछ सामान भी मांगा था उन्होंने 5-6 दिन पहले? आप 6 दिन पहले सामान मांगा था उधार, मैंने मना कर दिया था उस टाइम। फिर उन्होंने कहा कि देख लेंगे फिर तेरे को कौन है। उसके बाद फिर कल आए, फिर पापा को मारा, मेरे को मारा, लोहे की राड मारी मेरे सिर में। पापा को 3-4 मारी राड, पापा को भी। बाजार के लोग इकट्ठे नहीं हुए मुकेश जी? सब इकट्ठे हुए थे, सबको मार रहे थे वो बाहर, सब बाइक वगैरह तोड़ी हमारे दुकान के अंदर, सारे तोड़ फोड़ करके गए, अपने डीवीआर लेके कैमरे का सारा कुछ उठा के ले गए, सीसीटीवी कैमरे ले गए। हाँ जी हाँ जी, सब लेके उठा कर गेट तोड़ दिया मेन गेट। फिर भी धमकी दे के गए थे आएंगे फिर आएंगे। ये थे मुकेश जी जिन्होंने हमें बताया कि जी हमारे साथ मौजूद हैं। ये घटना के समय रात इनकी दुकान पे थे, तो हम इनसे भी जरूर जानेंगे कि किस तरह की वारदात हुई थी, क्या घटनाक्रम था। अमित जी, आप मौके पे थे, लोगों ने बताया, तो आपने मौके पे क्या देखा, क्या आपने बचाने के प्रयास भी किए थे? जैसे हमारे ये तरावड़ी के वीके गारमेंट्स वाले हैं और तरावड़ी में शरीफ आदमियों में इनकी गिनती होती है जी, और काफ़ी अच्छा इनका व्यापार बिजनेस है वहाँ तरावड़ी में। मैं अभी कुछ दूर 8-10 दुकानों पे अपने बच्चों के साथ शॉपिंग कर रहा था जी, जैसे ही वहाँ पे शोर शराबा हुआ मैं बच्चों को छोड़कर साथ ही तुरंत वहाँ पर आया। वहाँ पर आके देखा कि 5-6 लोग, कोई गंडासी और बंदूक भी थी उनके पास, कट्टा टाइप,
और अपना लोहे के राड़े ले रखे थे उन्होंने, वो सब लेकर तोड़ा फोड़ी कर रहे हैं वहाँ पे। जो उनके आगे आया बाजार में एक मारे वहाँ जूस वाले हैं ललित, वो उनके आगे आए, उनकी मोटरसाइकिल भी तोड़ी, उनको राड़े मारी। एक मारे वहाँ वाल्मीकि समाज से लड़का सतीश, उसका बेटा था, उसका मोबाइल खोज कर ले गए वहाँ से। और जो भी उनके आगे आया उन्होंने कुछ नहीं देखा, सबको बुरी तरह से मारा पीटा। तो जैसे ही ये अपना हमने पुलिस को कॉल की, पुलिस ने तुरंत आकर वहाँ पर कार्रवाई की और पुलिस प्रशासन ने बहुत हमारा साथ दिया और बहुत अच्छी तरह से वो कार्रवाई कर रहे हैं। कुछ एक दो अपराधी इसमें से उन्होंने पकड़े भी हुए हैं और बाकी की अपना जांच कर रहे हैं और उनको पुलिस SHO ने हमें आश्वासन दिया कि जल्दी पकड़ कर लाएंगे। अमर जी, जिन जिन लोगों पर आरोप लगाया जा रहा है, तोड़ फोड़ या धमकी दी, जैसे जानलेवा हमला किया, सुना उन लोगों पे पहले से कई मामले दर्ज हैं? उन पे पहले से कई मामले दर्ज हैं और अभी वो बेल पे जमानत पर आए हुए हैं। या इनको कितना फ्रैक्चर है सिर में, मैं अगर 10-15 टांके लगे हुए हैं रात, बल्कि मैं फिर इनको उठा के इनके परिवार के साथ गया, नीलोखड़ी एडमिट कराया, उसके बाद हम इनको यहाँ पे लेके आए। चलो तो भगवान की कृपा है, अभी आज ये सही सलामत है। बाकी उन्होंने मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी हमलावरों ने, और डकैती भी की है वहाँ से, इनका कैश भी उठा के ले गए हैं। पर बुरी तरह आतंक उन्होंने मचाया है, पर प्रशासन ने अब उनको काबू कर लिया है। तो ये थे अमित जी, ये मौके पर खड़े थे और इन्होंने बताया कि जिस समय वारदात हुई ये मौके पर थे। और सबसे गंभीर बात यह कि उन लोगों ने हमला किया जिन लोगों पर पहले से खतरनाक धाराओं के तहत मामले दर्ज हैं, जेल की हवा खा चुकी है, पुलिस उन पर कई मुकदमे दर्ज कर चुकी है और अब जैसी जमानत पर बाहर आए, और जैसे कि मुकेश ने हमें वो सामान उधारी में लेने आए थे, मुकेश ने मना कर दिया, शायद हो सकता है मुकेश उन लोगों की बारे में पहले जानता, उनके व्यवहार को लेकर उन्हें बिल्कुल उन्हें इस बात का एहसास होगा कि अगर ये सामान लेकर गए शायद पैसे ना, इसलिए उन्होंने मौके पर जवाब दे दिया। लेकिन जिस तरह का तांडव इन उत्पातियों ने सरेआम बाजार में रात 8 बजे के समय किया, सारा बाजार जो कि लोग दुकानदार जैसा कि बताया गया है बचाने के लिए, उन पर भी हमला बोला गया, यह पुलिस प्रशासन के लिए मैं समझता हूँ कि बेहद खतरनाक बात है और खासकर तरावड़ी के लोगों को एकजुट होने की जरूरत है, क्योंकि इस तरह से लगातार दुकानों पर हमले हो रहे हैं। इससे पहले भी GT रोड पर एक दुकान पर हमला किया था, उस पर कब्जा किया गया, पुलिस ने उसे छुड़वाया, बड़ी गंभीर बात है। हम इस मामले में SP और SHO से बात करेंगे कि क्या वो ऐसे खतरनाक अपराधियों के खिलाफ खतरनाक धाराओं के तहत मामला दर्ज करती है या नहीं। आपने सुना कि घायल दुकानदार मुकेश और उसके पिता ने क्या बताया। अस्पताल में दाखिल पिता पुत्र की हालत आपने देख ही ली होगी, सारे परिवार के लोग किस तरह से सहमे हुए हैं। अब सवाल यह उठता है कि आखिर तरावड़ी की पुलिस क्या कर रही थी। बताया ये भी जा रहा है कि जिन अपराधियों ने शुक्रवार की शाम VK गार्मेंट्स पर हमला बोला, उनमें से कुछ अपराधी हाल ही में जमानत पर बाहर आए थे। अब आपको सुनवाते हैं तरावड़ी के SHO की आवाज, जिन्होंने समाचार एक्सप्रेस को होने जा रही कार्यवाही के बारे में बताया। हेलो हेलो, हाँ जी SHO तरावड़ी, हाँ जी बोलो भाई साहब। जी हरीश चावला बोल रहा हूँ। हेलो हेलो, बोल रहा हूँ भाई साहब, वो आज आ तो रही है। हाँ मैं ये पूछ रहा हूँ, रात को जो तरावड़ी के मेन बाजार में जो हमला हुआ दुकानदार पे, जी उसमें कोई FIR लोड हुई है क्या? हाँ भाई साहब, जस्ट उनके बयान लिख रहे हैं, उन्होंने रात को स्टेटमेंट दी जी, क्योंकि वो लड़का और उसके फादर था अनकॉन्शियस थे। हाँ तो बार के भी जो साथ वाले थे वो कह रहे कि सुबह दिलवाएंगे बयान, अभी उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रहे हैं वहीं पे। अच्छा, तो आरोपियों की पहचान होगी है? आरोपियों की पहचान होगी है। तो इसमें कुछ आरोपी ऐसे भी है जिनके पहले से मामले दर्ज है और जमानत पर बार थे? जमानत पे आए हैं, एक दो ऐसे भी हैं। अच्छा, तो किन धाराओं में थे पहले में जमानत पे आए हैं? आप कौन बोल रहे हैं जी? मैं हरीश चावला बोल रहा हूँ समाचार एक्सप्रेस से। वो पहले वाली धाराएं भाई साहब मेरे को ना अभी चेक करनी पड़ेगी जी, क्योंकि मैं अभी थोड़ा फील्ड में हूँ उनके पीछे ही। अच्छा अच्छा ठीक है। ये ना SHO ये तरावड़ी में दूसरा हमला हो गया, एक तो आपको शायद नोटिस में होगा, जब आप अभी आए नहीं थे, आपसे पहले थे जो SHO, उन्हीं के दौरान हुआ तरावड़ी की चोट में दुकान पे कब्जा हो गया फिर। हाँ तो वो मेरे को पता है भाई साहब, उनमें भी धाराएं हल्की हो गई। हेलो जी जी जी, कट गया था फोन जी भाई साहब। हाँ जी हाँ जी, मैं कहा वो मामला भी आपको याद होगा जब की चोट पे हमला हुआ था और फिर
वो उन्होंने कब्जा भी कर लिया दुकान पे और फिर जो है उन पे हल्की धाराएं लगा दी, फिर वो उनकी जमानतों की मालिकों को पता ही नहीं लगा। हाँ मेरे को ध्यान नहीं वैसे। हाँ तो थोड़ा इसको भाई साहब ये मेन बाजार का मामला है और इस तरह से वारदातें ये जिस तरह से हुई है थोड़ा इस पे जरा आप थोड़ा अंकुश लगाओ ना भाई साहब। थोड़ा इसी पे लगे हुए भाई साहब, CIA की टीम नियुक्त करवाई है जी SP साहब से रिक्वेस्ट करके जी। ठीक है जी जी। और इन्हीं को सर्च आउट कर रहे हैं और हैवी सेक्शन में दूंगा जी जी जी, हल्की सेक्शन में नहीं दूंगा जी। लेकिन SP साहब ने ये कहा है कि प्रेस में अगर आप बात करो तो उनको सेक्शन आप आगे जाए जी, ताकि वो कभी आगे से रख जाए जी। ठीक है जी जी। तो अभी जो स्टेटमेंट वो देते हैं उसके आधार पे देखते हैं क्या सेक्शन रहेंगी। चलो ठीक है भाई साहब, मेरे को थोड़ा अपडेट कराते रहना प्लीज जरा जी। चावला साहब आप टेंशन ना लें इसको, थोड़ा मैं बिल्कुल सीरियसली ले रहे हैं, लाइटली नहीं ले रहे। चलो थैंक यू। वैसे आपकी तारीफ कर रहे थे वो उनके परिजन, कहते पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की है। तारीफ तो भगवान की। चलो थोड़ा इसको जरा पर्सनल वे से देखना प्लीज है। बिल्कुल भाई ठीक है, थैंक यू। आपने सुना कि तरावड़ी के SHO ने क्या कहा। हालांकि तरावड़ी के SHO बता रहे हैं कि CIA टीम को यह मामला सुपर्द कर दिया गया है। SHO ये भी कह रहे हैं कि अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। आज तरावड़ी गारमेंट्स एसोसिएशन ने कुछ देर के लिए अपनी दुकानें बंद की। तरावड़ी के SHO भी आज मौके पर पहुंचे। दुकानदारों ने अग्रवाल धर्मशाला में बैठक कर इस घटना की निंदा करते हुए पुलिस से मांग की कि अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाए। फिलहाल इस घटना के बाद तरावड़ी में दहशत का माहौल है। ये सवाल उठ रहा है कि आखिर अपराधी तरावड़ी जैसे छोटे नगर में तांडव क्यों मचा रहे हैं। क्या तरावड़ी में अपराध एक नया रूप ले रहा है? क्या तरावड़ी में दहशत फैलाने के इरादे से लूटपाट और तोड़फाड़ की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है? क्या तरावड़ी में रहने वाले लोग सुरक्षित नहीं है? जिस तरह से घटनाएं तरावड़ी में घटित हो रही हैं, उसी हिसाब से ऐसे लग रहा है कि मानो तरावड़ी में धीरे धीरे अपराधी काबिज होते जा रहे हैं और पुलिस एक तरह से असहाय नजर आ रही है, क्योंकि लूटपाट तोड़फाड़ और कब्जे वाली घटनाएं घटित होना एक बड़े अपराध की आहट है। लेकिन समाचार एक्सप्रेस तरावड़ी के लोगों की आवाज प्रदेश के मुख्यमंत्री और प्रदेश के DGP तक जरूर पहुंचाएगा, ताकि मुख्यमंत्री को भी पता लगे कि आपके गृह जिले में किस तेजी से अपराध बढ़ रहे हैं। क्यों ही ऐसा ना हो कि आने वाले समय में तेजी से बढ़ता अपराध मौजूदा सरकार के गले की फांस ना बन जाए। इस खबर पर समाचार एक्सप्रेस की पैनी निगाह रहेगी। हम आगे बताएंगे कि पुलिस ने इस मामले में क्या किया। आपका नाम क्या? जतिन। आप दुकान के मालिक हैं आप? जी। क्या नाम आपका? जतिन। जतिन, जतिन। पूरा नाम क्या है? जतिन ललित। जतिन ललित। तो वारदात क्या हुई? वारदात तो सर ये आलम मल्ली नाम का लड़का है, ये 4-5 दिन पहले शॉप पे आया था, उधार मांगता था, उधार के लिए इसको मना कर दिया, धमकी दे के गया चलो देख लूँगा फिर मैं, बस ये बात हुई थी। मौके पे मैं नहीं था, मैं बाहर था। मुझे फ़ोन जब आया तो बताया गया लड़कों के, बताया शॉप के लड़कों ने कि ऐसे ऐसे करके बात हुई। कब की वारदात थी? कि 8:30 बजे का समय होगा शायद, शाम को। हाँ जी, 8:10 शुक्रवार की शाम को। शुक्रवार की शाम को जी। आपकी गैर मौजूदगी में कौन था? मेरा छोटा भाई जो मेरी जगह बैठते हैं, वो शॉप के लड़के थे। बोल तो आप फिर से। शॉप के लड़के थे बस, जो मुझे यही फ़ोन आया कि बस ऐसे कुछ बात हुई है, कुछ भी सूट हुआ आपस में इन दोनों का। उसके बाद मुझे कोई किसी ने कुछ नहीं बताया क्या हुआ। ये जिस आरोपी का आपने नाम बताया आराम मल्लिक, कौन था वो, कहाँ के रहने वाला है? ये तरावड़ी का रहने वाला है। अच्छा, आपसे 4-5 दिन पहले सामान लेने आया था? सामान लेने आया था। तो आपने उधार सामान? उधार के लिए मना कर दिया था, मेरे पहले की भी उधार की पेमेंट थी। कितनी थी? लगभग 3,500-4,000 रुपये। अच्छा हाँ जी। तो शाम को कितने लोगों के साथ आया? मुझे ये नहीं पता मुझे कितने। तो आपके जो करिंदे जो काम करते थे वो कहाँ हैं? मेरे साथ ही हैं। उनको बुलाओ। 4-5 बंदे थे। जब आप ये घटना हुई आप यहाँ मौजूद थे? जी। क्या नाम आपका? कृष्ण जी। आप कहाँ काम करते हैं? मैं वीके गारमेंट शॉप पे काम करता हूँ। कितने बजे का टाइम था? यही करीबन 8:30 बजे का टाइम था जी। तो ये जो नाम ले रहे हैं आराम मल्लिक का, वही था क्या? हाँ जी वही था। बाकी मुँह सेलिब्रेटर का था, 5-6 लड़के और थे जी। हाँ हाँ जी, उन्होंने आते ही बस। नहीं नहीं, आपने पहचाना उसको मल्लिक को?
बस वो मोबाइल ऑपरेटर का था जी, इसने है वही था, बाकी और बंदे थे जिन्होंने मोबाइल ऑपरेटर का था, आते बस भैया को मारने लगे, अंकल को मारने लगे, मार को मारने लगे, सारा ये सारा निकाल के लेके भागा था। लेडीज को भी मारा है। जब घटना हुई है आप मौजूद थे, उन्होंने कोई डिमांड भी की क्या? कोई डिमांड नहीं थी, आते बस ही गाली गलौज करने लगे, आते मारने लगे, भैया को मारा, अंकल जी को मारा, मार को मारा, ये सब कुछ मार मुर के ये निकाल के ले गए। तो जिनका यहाँ खून निकला हुआ है वो उनका क्या नाम है? मुकेश जी, इनका नाम मोंटी जी। वो कौन है? वो ओनर भैया है यहाँ के। अच्छा, ओनर है जी। तो ये कौन है? ये भैया उनके भैया, बड़े भैया। अच्छा, बड़े भैया हैं जी। तो आप कितने टाइम से काम कर रहे हैं? हमारे 5 साल हो गए जी। ठीक है। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।